रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के उस कड़ाके के ठंड में सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे थे। रात के कुछ 2:30 बजे थे। रमेश अपने घर में सो रहा था, अचानक ही उसके पास रखे मोबाइल में घंटी बजी। उस घंटी की आवाज़ सुन थोड़ी देर में उसकी आंखें खुली। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने फ़ोन में देखा कि उसे कोई आधी रात को फ़ोन कर रहा है। उसने फ़ोन में देखे नाम को पढ़कर उसकी आंखें फटी रह गई। उसने घबराते हुए अपने कपकपाते हुए हाथों से उस फ़ोन को उठाया। फ़ोन के उठाते ही एक आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर वह काफ़ी घबरा गया। वह समझ नहीं पाया ये आखिर क्या हुआ। वह उठा और अपने रूम की बत्ती जलाई। लाइट के जलते ही जैसे उसने चप्पल पहना, उसे अपने चप्पल में एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। वह बिल्कुल घबरा चुका था। उसने देखा कि नीचे ज़मीन पर खून गिरा हुआ है, चारों तरफ खून के छींटे थे। यह देखकर वह काफ़ी घबराया और सामने देखा तो वहाँ पर फ्रिज की लाइट जल रही थी। एक लड़की जिसके हाथों में कटने के कई निशान थे और उसकी खून ज़मीन पर टपक के जा रही थी। वहाँ उस कड़ाके की ठंड में भी फ्रिज से पानी निकाल कर गटागट पानी पी जा रही थी। यह देख रमेश के चेहरे पर पसीने आ गए। वह लड़की अचानक ही मुड़ी। उसे देखकर रमेश के होश उड़ गए। वह श्रेया थी। उसके हाथों से लगातार खून टपकता जा रहा था। वह भागता हुआ उसके पास गया और उसके हाथों को दबाकर उसके खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन खून नहीं रुका। वह दोबारा से भागता हुआ फर्स्ट एड बॉक्स की ओर भागा। वह फर्स्ट एड बॉक्स से कुछ पट्टी लाई और उसके हाथों में लगा दी। खून रुकना बंद हो चुका था, लेकिन अब श्रेया बेहोश हो चुकी थी। उसे उस बेहोशी की हालत में उसने उठाया और उसे अस्पताल ले जाने के लिए उसे गाड़ी में बिठाया और उसे अस्पताल की ओर ले जाने लगा। कुछ साल पहले की बात है, रमेश एक कॉलेज में पढ़ा करता था। वह हाल ही में एडमिशन लिए हुए उस कॉलेज में आया था। उसे पढ़ना लिखना बेहद पसंद था और वह पढ़ाई में काफ़ी अच्छा भी था। उसे कविताएं लिखने का भी बेहद शौक था। वहीं पर उस कॉलेज में उसकी मुलाकात श्रेया से हुई थी। श्रेया के पिताजी का काफ़ी बड़ा कारोबार था। श्रेया और रमेश ने अब ये फैसला किया था कि वे लोग अब शादी कर लेंगे और इस फैसले से वे लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन घर में जब यह बात उनके माता पिता को पता चली, तब उन्हें बेहद गुस्सा आया और उन्होंने श्रेया का कॉलेज जाना ही बंद करवा दिया। श्रेया भी अब घर में ही रहने लगी थी। लेकिन अचानक ही एक दिन उसने घर से गाड़ी निकाली और वह रमेश के घर की ओर बढ़ गई। वहाँ उसके पास जाकर उसने अपना फैसला सुनाया। उन लोगों ने भागकर शादी करने का प्लान बना लिया था और वह अपने बुआ के घर चली गई थी। बुआ के घर जाकर उसने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई। रमेश की भी अब एक अच्छी नौकरी लग चुकी थी और उन्होंने ये भागकर शादी भी कर ली थी। रमेश ने एक बहुत ही बड़ा सा घर भी खरीद लिया था, जिसके सामने काफ़ी सुंदर नज़ारा भी दिखा करता था। लेकिन एक रात अचानक ही वे लोग उस घर में शिफ्ट होने के लिए रात ही में चले आए। रात को वे लोग सो ही रहे थे कि अचानक ही दरवाजे में ज़ोर से खटखड़ाहट की आवाज़ आई। श्रेया की वह आवाज़ सुनकर आँखें खुल गई। रमेश अभी सो रहा था। श्रेया उस दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही गई, वह नज़ारा देख उसकी चीख निकल गई और फिर